अरे कार्तिक, टेंशन में क्यों खड़े हो? क्या प्रॉब्लम हो गया? अरे सर, अभी एमएसटी सीट की एग्जाम आ रही है कुछ ही दिनों पे। हाँ मुझे बहुत सर तो, टेंशन आ रहा है सर, मतलब प्रिपरेशन तो मतलब ऐसा। अरे टेंशन क्यों आ रहा? देख कुछ दिन में एग्जाम है ना, हाँ तो पढ़ा है ना साल भर, मेहनत तो कर रहा था। सर, पढ़ा तो है लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है मुझ में सर। तो क्या प्रॉब्लम, क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम सॉल्व कर रहे हो तो सम्स नहीं हो रहे हैं कि क्या हो रहा है? सर हो रहे हैं लेकिन ऑन द स्पॉट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ। मैंने पढ़ाई तो की, आपके लेक्चर्स देखे, सब किया, मॉक टेस्ट दिया है, लेकिन ऑन द स्पॉट ऐसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पूरा भूल जा रहा हूँ मैं, मतलब ब्लैंक हो रहा हूँ। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि तुमने पढ़ाई की थी तो क्या तुमने जो PYQs किए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाँ सर, 2021 सर तक के? किए सब, अच्छा, सब मैंने किया तो है। टेंशन क्यों ले रहे हो? खाली तुम एक काम करो, हाँ मॉक टेस्ट देते रहो। सर, जी वो जो CET का एग्जाम होता है ना, तो मुझे पता ही नहीं, मैंने जितने भी मॉक टेस्ट अभी मोबाइल पे दिए, मेरे पास ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, तो मुझे पता ही नहीं कि एक्चुअल स्क्रीन होता कैसे। मैंने सुना है कुछ कलर होता है, ये होता ओहो, है। मैं समझ गया। तो तुमने हाँ कोई कोर्स किया है क्या, कंप्यूटर का कोर्स वगैरह? नहीं सर, मुझे आता ही नहीं है कुछ भी। अरे अरे, ऐसा माउस होता है, देखो हाँ बेटा, हाँ ये माउस सिर्फ इसको चलाना है अच्छा और इसमें क्लिक करना होता हाँ है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ अगर तुमको कंप्यूटर नहीं आता ना, तो भी देखो ये अपना कंप्यूटर है, समझो, ठीक हाँ सर है? अब यहां से ना देखो, ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला बेटा, कि आपको CET पोर्टल में जब जाओगे ना, तो एग्जाम के लिए इस तरह से आपके सामने जो कंप्यूटर होगा ना, ऐसा एक ओपन होगा, ठीक ओके है? हाँ कुछ नहीं करना, ये जो चूहा है ना माउस, हाँ इसको इधर से क्लिक करने का। देखो मैं अच्छा करके बताता हूँ, हाँ अभी मेरे चूहे की पूछ नहीं है, उधर पूछ रहेगी, ठीक हाँ है? ये देखो, पर यहाँ पर एक हम टेस्ट चालू करते, हाँ यहाँ पर आई कंफर्म करते। ये हाँ देखो, ये CET सेल है ना, उन्होंने हाँ एक सैंपल दिया है अच्छा ताकि आपको समझ में आए। तो ये CET सेल की वेबसाइट पे है। अब यहाँ पर देखो, फिर से कंफर्म करके मैं कंटिन्यू करता, इस तरह से आपको आई कंफर्म करके कंटिन्यू करना होगा। ये पोर्टल सेंटर वाले चालू करके रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसको रीड करके फिर आई कंफर्म करके स्टार्ट एग्जाम। तो इस तरह से जब आप करते हो ना, तो आपको हम यहाँ थोड़ा फुल स्क्रीन कर दें इसको। ओके यस, तो ओके इस ये तरह क्वेश्चन से आ रहा है। देखो। अच्छा, इसके पहले ना आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के हाँ लिए। सर आपकी एग्जाम अगर 9 बजे है ना, तो 8:50 पे ये पोर्टल चालू हो जाएगा, 10 मिनट हाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए यस टाइम सर मिलेगा। यस अब आप नेक्स्ट एग्जाम करोगे, देखो इस तरह हाँ से एग्जाम दिखेगी बेटा। हाँ टेंशन क्यों लेते हो? कंप्यूटर नहीं हाँ सीखा तो भी आप कर हाँ सकते हो। देखो यहाँ हाँ पर, सर अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आपने फिजिक्स का जैसे बात हुई हमारी वैसे हाँ करेंगे। अब ये पहले क्वेश्चन पे हमारा पहला दिख रहा है, आप जब हाँ सेकंड करोगे हाँ तो सेकंड क्वेश्चन दिखेगा, ठीक ओके है? थर्ड करोगे थर्ड, लेकिन अभी रुको, पहला देखो। हाँ अब पढ़ो क्वेश्चन को, व्हाट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ द न्यूक्लियस? वो यस फिजिक्स का क्वेश्चन है। यस अब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता यस होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यस सर अब जैसे ही आप ये करोगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो चूहा है यानी माउस है, हाँ इससे क्लिक करना है सेकंड पे। हाँ या तो देखो बेटा, यहाँ पर, यहाँ प्रीवियस, मार्क और क्लियर नेक्स्ट और नेक्स्ट आता है। हाँ तो अगर ये जो माउस है, हाँ यस, यहाँ से, तो आप यहाँ पर ये नेक्स्ट कर सकते हो। देखो यस ग्रीन दिख रहा है, हाँ हाँ अब नेक्स्ट करोगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ आ पे गया, ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया, मतलब समझ यस रहे हो क्या हाँ है क्वेश्चन कि ये मार्क कर क्वेश्चन को आपने आंसर दे यस दिया। यस ग्रीन मतलब आपने इसका आंसर दे दे दिया। दिया है, ठीक है? अब समझो ये वाला क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल है। अब समझो आपको नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है टाइम लगेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, हाँ लेकिन आप भूल गए हाँ तो आप इसको क्या कर सकते हो। दूसरा है ना, यहाँ पर देखो एक मार्क करके है, मार्क, इसको मार्क कर दो। हाँ जैसे ही मार्क करोगे, देखो येलो हो गया, राइट मतलब राइट मैंने इसको छोड़ रखा है, मैं इसको राइट बाद में करूंगा, ओके ओके ठीक है? चलेगा। तो जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उसको येलो मार्क कर दो, मतलब मार्क दबाओगे। देखो ऐसे नीचे मार्क है, ये मार्क, अभी आपको लगता है ये मैंने आंसर दे दिया, तो आप देखो यहाँ पर लिखा भी है येलो मार्क फॉर रिव्यू, हाँ ग्रीन आंसर। अनमार्क करोगे तो वापस देखो चला गया येलो, राइट चला गया, राइट ठीक है? और वापस मार्क कर सकते हो, समझो मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है? अब ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है? अब मैंने इस क्वेश्चन को मार्क कर दिया कि मैं बाद में करूँगा, अब मैं थर्ड करना चाहूँ, लेकिन आप जंप भी कर सकते हो। हाँ मतलब मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ ना हाँ, बीच में से। आप समझो छठा करना चाहते हैं, हाँ तो ये जो इसका माउस का पॉइंटर हाँ होता है, हाँ ओके, इस हाँ पॉइंटर को छठे पे सिक्स लाओ पे और इस छठे को आप क्लिक कर क्लिक दोगे, करो आपके ओके सामने छठा क्वेश्चन आ गया। हाँ राइट इसका आंसर दे दो, जो भी इसका आंसर होता है। फिर आप, लेकिन आप एक सीरीज फॉलो करना, लाइन से हाँ करना, हाँ जो नहीं आएगा उसको मार्क कर दे। आप समझो हाँ छठे में आपने सी कर दिया, समझो हाँ मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ ऐसे, हाँ हाँ और आपको लग रहा है अरे सही है कि गलत है, तो इसको भी बेटा आपके लिए एक मार्क है मार्क कि यहाँ पर आंसर देके आप मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 मिनट, एंसर्ड एंड मार्क्ड। यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा अगर हम नेक्स्ट पे अगर चले हम जाएंगे नेक्स्ट तो। क्वेश्चन करेंगे, देखो अभी अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो अभी देखो यहाँ पर हाँ मैंने ब्लू ये कलर जो आ गया क्वेश्चन था येलो हुआ था क्योंकि मार्क किया था, बट मैंने हाँ आंसर दिया था, हाँ
तो वो ऐसा ब्लू दिखेगा, इसका मतलब तुमने इसका आंसर दे दिया है लेकिन इसको मार्क पे रखा है कि मैं इसको बाद में एक बार चेक करूंगा फिर से। तो आप नेक्स्ट कभी भी समझो थर्ड क्लिक करोगे तो थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा माउस से, फोर्थ करोगे तो फोर्थ आ जाएगा, आंसर देके आप नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो अलर्ट आ रहा है, ओके कर देते हैं। तो इस तरह से आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो ये कलर कोड होते हैं, ग्रीन मतलब आपने आंसर दे दिया है, व्हाइट मतलब आंसर देना बाकी है, येलो मतलब आपने आंसर नहीं दिया लेकिन उसको मार्क करके रखा कि मैं बाद में दूंगा, ब्लू मतलब कि हमने इसका आंसर दे दिया लेकिन रिव्यू में रखा कि मैं बाद में इसको चेक करूंगा। तो इस तरह से आप कभी भी कोई भी, अरे वाह सर इसे तो बहुत आसान हो जाएगा मुझे समझने में, मेरा कितना क्वेश्चन बाकी है फिर मुझे और कितना करना है। ओके मतलब कलर कोड से तो मुझे पूरा समझ गया, लेकिन सर अभी केमिस्ट्री में फिजिक्स में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में लॉग टेबल लगता है, तो सर क्या इसमें अवेलेबल होता है सीईटी के एग्जाम में? देखो सबसे पहले ना बच्चों को तो पता ही नहीं होता लॉग टेबल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं, देखो ये जो आपका पोर्टल आप एग्जाम दे रहे हो ना वहीं पर ऊपर आओगे तो देखो यहाँ टाइमर भी चलते रहता है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने टाइम बाकी है, तो आपको घड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो यहाँ रिसोर्स दिख रहा है, इस रिसोर्स में क्लिक करोगे ना तो यहाँ लॉग टेबल है। अच्छा, इसको जब आप लॉग टेबल क्लिक करोगे तो इस तरह से देखो आपके सामने लॉग टेबल आ जाएगा, तो आप यहीं पर है ना लॉग टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। यस सर, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से देखो ये लॉग टेबल है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ सर पूरा समझ गया, लॉग टेबल भी इसमें ही है। और कुछ है डाउट आपको? सर वो रफ पेपर मिलता है, कितना मिलता है अगर मेरा खत्म हो गया तो? देखो बच्चा आप है ना सुपरवाइजर से रफ पेपर ले सकते हो, टेंशन मत लेना। लेकिन क्या कोई कोई सुपरवाइजर है ना कंजूस रहते हैं, वो ज्यादा देने की कोशिश नहीं करते, तो वेस्ट मत करो, जितना होता है उस हिसाब से करने का, रफ पेपर सुपरवाइजर देते हैं। ओके सर, और एक बात बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना आप समरी भी देख सकते हो जब एग्जाम देते हो ना, समरी रिपोर्ट कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने पेंडिंग है, कितने मार्क किए, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हो। टाइमर यहाँ चल रहा है, इसका ध्यान रखने का, स्पीड के अंदर करना है, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो ये पूरा पोर्टल है, अब देख एग्जाम हो जाएगा ना बच्चा, तो यहाँ पर लास्ट में ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, पिछले क्वेश्चन के लिए प्रीवियस करते जाओगे। ओके, अगर समझो कि आपको ये लग रहा है कि यार ये पैनल नहीं दिखना चाहिए मुझे, सिर्फ क्वेश्चन दिखना चाहिए, है ना, सिर्फ क्वेश्चन दिखे ये पैनल ना दिखे, यहाँ पर नीचे ना एक हाइड क्वेश्चन पैनल है ये, इसको क्लिक कर दोगे आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, यस सर। और जब नेक्स्ट कर दोगे ना ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे यहाँ पर नेक्स्ट, तो यहाँ पर लास्ट में जब सब क्वेश्चन हो जाएंगे तो यहाँ सबमिट करके दिखेगा। yes. आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। okay. आपका टेस्ट, और क्या बताया था मैंने पहले कौन सा ग्रुप, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। हाँ, डेढ़ घंटे बाद मैथ्स करना है। हाँ, डेढ़ घंटे तक फिजिक्स केमिस्ट्री पहले स्टार्ट में, उसके बाद ही मैथ्स करना है। यस सर। ओके ओके सर। और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर टाइम में नहीं होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मैथ्स पे शिफ्ट हो जाएगा फिर सर। ठीक है, तो इस तरह से। और टेंशन आ रहा है अभी टेंशन नहीं आ रहा है सर, पूरा समझ गया मुझे कैसे पेपर होने वाला है। माउस बस इसी को काम करना है। बस माउस कीबोर्ड रहेगा तो इससे कुछ ज्यादा जरूरत ही नहीं। बस माउस से क्लिक करना है। यस सर। और यहाँ पर उंगली ऐसे रखे एक क्लिक करना है बस। यस, जो चाहिए उसको सेलेक्ट करना है, ए बी सी डी के ऊपर जैसे सी है बी उस पे क्लिक कर दो। ओके हो गया, थैंक यू सो मच सर, एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट। टेंशन यहीं से ना है अपना, ठीक है। ओके ठीक, बाय।